गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आ जाइए, जुड़ते चलिएगा, शुरू करते हैं क्लास। राम राम, नमस्कार, स्वागत है सभी का। आ जाइए भाई, सभी लोग शुरू करते हैं। पहले से ही सी, अभी सी में समय है, थोड़ा सा एक मिनट का समय रहेगा। आ जाए सभी लोग, लाइव जुड़ जाए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। एक मिनट का समय दीजिएगा जरा। पहले हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर के, फिर आगे की कार्यवाही आपके प्रैक्टिस की रहेगी, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले बात कर ले आज के करंट अफेयर्स की, क्या क्या मुख्य घटनाएं रही थी गुजरे समय में यानी कि कल में, तो इसके बारे में आज की पहले चर्चा होगी। चलेगा, आ जाए सभी लोग। देखो क्या घटना है, आज सबसे महत्वपूर्ण दिन और दिवस है। आज आपको पता है 12 जनवरी है, और 12 जनवरी को भारत में एक विशेष दिन या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसे कहते हैं यूथ, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस कहा जाता है। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति या युग पुरुष की याद में मनाया जाता है, तो ये सारी बातें हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। नाम क्या है उनका? तो नाम हम बता देंगे, स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म हुआ था दोस्त मेरे, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। तो हम लोग 12 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। यहाँ से ही थोड़ा सा आगे जाएंगे आप लोग, और 12 अगस्त की जब बात की जाएगी, तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल युवा डे, यूथ डे या युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। ये 12 अगस्त की बात है, तो आप याद रखिएगा कि विशेष दिन है, और विशेष दिन है आज, और उसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। चलेगा, तो बेहद सरल सरल से फैक्ट है आज के आपके सामने, तो देखें क्या क्या आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या कर दोगे? 12 जनवरी। और यही क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताएं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीजें। चलो आगे की बात देखें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण,
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, या आप कहेंगे इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी हाल ही में 19वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इसकी हाल ही में 19वीं बैठक का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की है तो बताएंगे भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। लेकिन बात ये आती है दोस्त, बात ये आती है कि भूपेंद्र यादव कौन है, तो आप बताइए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, यानी कि आप कहेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय के ये मंत्री हैं, नाम क्या है? भूपेंद्र यादव इनका नाम है। ये पॉइंट हम लोग यहां से याद रखेंगे। आगे की बात की जाए आईआईटी मद्रास के, अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्त, तो आईआईटी मद्रास के हमसे क्वेश्चन पूछेगा आईआईटी मद्रास के नए निदेशक कौन बने, तो प्रोफेसर वी कामकोटी। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर वी कामकोटी को अभी हाल ही में क्या बनाया गया है तो आप बता देंगे इनको आईआईटी मद्रास का क्या बनाया गया है तो बताएंगे नए निदेशक या डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, चलेगा। अगला पॉइंट देखेंगे 11 जनवरी 2022 को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि या बताएंगे डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है तो आंसर करेंगे 56वीं। क्या? 56वीं, यानी कि 11 जनवरी 1966 में आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु या हत्या हुई थी। कहां पे? तो आप बताएंगे ताशकंद। कहां पे? ताशकंद। ये बात आप यहां से याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 में कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 11 जनवरी को मनाया जाता है। तो मानव तस्करी माने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि मनुष्य को पकड़ ले जाना जबरन, उसके फिर शारीरिक अंगों का दुर्व्यापार करना, इन सब पर रोक लगाने की बात कही गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है तो ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्त, जिसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पॉइंट कह रहा है आपसे कि रतन एन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है तो आंसर करते हैं कि डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है। ये बात आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा। आगे की बात करें, अगली बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता तो आप बताएंगे कि समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। इनका नाम है राफेल नडाल। बेहद शानदार पर्सनालिटी है, याद रखिएगा, वैसे तो आप लोग इनसे परिचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर नया नाम क्या रख दिया गया है तो आप बताएंगे एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या नाम रख दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। कहां पे? तो आप बताएंगे गुजरात महाराष्ट्र में, सॉरी गुजरात राज्य में। अगला देखेंगे कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, यानी कि जल मेट्रो वाटर मेट्रो की व्यवस्था शुरू की जाएगी। कोच्चि किस राज्य में है? कोच्चि केरल में है। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि केरल में है, ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें जरा, अगला पॉइंट क्या कहता है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने तो इनका नाम ओह यंग सू। कौन है? ओह यंग सू। इनको यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? ओह यंग सू को यह पुरस्कार दिया गया है। और ये कहां के हैं तो आप बताएंगे साउथ कोरियन है। और इनको किसके लिए मिला है तो स्क्विड गेम के लिए मिला है। ये एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है स्क्विड गेम, तो ये नाम आपको यहां से याद रखना है। अगला देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, चलेगा। देखें क्या है पॉइंट, क्या कह रहा है पॉइंट, ये कह रहा है कि प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया तो आप बताएंगे हरसाली मल्होत्रा। क्या नाम बताएंगे? हरसाली मल्होत्रा। और हरसाली मल्होत्रा कौन है तो आपने फिल्म में देखा होगा, बजरंगी भाईजान फिल्म में देखा होगा, जो छोटी बच्ची मुन्नी का रोल कर रही थी वो है हरसाली मल्होत्रा। क्या नाम बताएंगे? हरसाली मल्होत्रा। ये बात याद रखिएगा, नाम क्या है? हरसाली मल्होत्रा।
आपसे पूछे बताओ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताएंगे एक्टिंग या फिल्म जगत से संबंधित है, एक्टिंग या आप बताएंगे फिल्म जगत से संबंधित है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगली बात देखेंगे, ये अगला अच्छा पूछेगा कि कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, तो आप बताएंगे 12th यानी कि 12वां संस्करण है, ये 12वां एडिशन है जो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के हिसाब से, महिला सशक्तिकरण को यानी कि वुमन एम्पावरमेंट को, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट, लीजेंड्स लीग क्रिकेट माने LLC लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आंसर कर देंगे झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी कौन है, एक गेंदबाज है, भारतीय महिला गेंदबाज है, ये बात याद रखेंगे। क्या नाम याद रखेंगे, भारतीय महिला गेंदबाज है, भारतीय महिला गेंदबाज है, ये बात याद रखेंगे। एग्जाम में पूछता है किसके बारे में, झूलन गोस्वामी जी के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट, तो आपके ये बात हो गई यहाँ तक कंप्लीट, जो अभी कल और आज के क्वेश्चन के लेकर के थी। हाँ, जो लड़की गूंगी लड़की का रोल करती है उनका नाम था हर्षाली मेहता, और यह अवार्ड उनको आपके महाराष्ट्र राज्य सरकार के गवर्नर या राज्यपाल कहें भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया है। ये सारी बात आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चंस बने या पूछे जाए। ठीक है ना, तो ये सारी बातें होगी करंट अफेयर्स को लेकर के। अब हम लोग चलते आगे, आगे की बात करते हैं। अरे वो छोटी बच्ची जो थी जिसको पाकिस्तान तार के नीचे से छोड़ने गए थे, देखो जरा ये है, अच्छा ये बता रहे हैं झूलन गोस्वामी का रोल अब अनुष्का कर रही है, अच्छा 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 ये बता रहे हैं, मैंने सोचा शायद नहीं समझ पाए, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पे, आपके सामने अब जो आने वाले हैं वो आने वाले आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस। ठीक है, तो जरा तैयार हो जाइएगा, कमर कस लीजिएगा एकदम से, एक मिनट, एकदम से रणभूमि में उतरने के लिए, और आपके सामने होगा ये अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलो तैयार हो जाओ और टूट पड़ो, चले आंसर के लिए तैयार हो जाइएगा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, तो जोर लगा देंगे इस बार और दमखम दिखा देंगे इस बार कि हाँ हमें भी क्या है, दम है, और इसीलिए आप बाजीराव सिंघम है। बहुत बढ़िया, लाइन बढ़ाओ और संख्या बढ़ाओ, और अभी आपकी संख्या में कमी है, मैंने आपसे क्या बोला था, अब रोज आपको संख्या में वृद्धि करनी है भाई, इसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप इतने कम संख्या में पढ़ेंगे, और संख्या बढ़ाओ तेजी से, चलेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं मानस कहाँ है, तो आप बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, असम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान महावीर उद्यान कहाँ है, भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, गोवा में, असम में, कर्नाटक में, मेघालय में। चलो आ जाओ फटाफट से, बायलिंगुअल नहीं है मैं, बोलते चल रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, लोकेशन बताना है, इन विच स्टेट नेशनल पार्क भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा फटाफट से करिएगा। कुछ बालकों के आंसर सही है, तनुज का आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है, तनुज का, शुभम का, ठीक है चलो आप फटाफट से, हाँ सी, मुकुल का गलत है, अंकेश रावत का गड़बड़ है, चलो आओ फटाफट से कमेंट सभी लोग एकदम।
करंट के क्वेश्चन 8-10 ही तो होते हैं, ज्यादा कहाँ हो जाते हैं भाई। ये आपका कहाँ पे है, गोवा राज्य में, भगवान महावीर, कर्नाटक में नहीं है, कहाँ पे है, गोवा राज्य में है, याद रखिएगा, अभी पढ़ाया है। अगला देखो, पखाल अभयारण्य या पखाल, आपसे पूछेगा पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, असम में है, पंजाब में है, तेलंगाना में, उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आंसर करेंगे, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, पखाल, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, असम, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा, फटाफट आंसर करेंगे, आइएगा फटाफट आंसर करिएगा। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन सा पुराना, चलो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा तेलंगाना, क्या आंसर बनेगा, तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बखीरा बर्ड सेंचुरी, बखीरा बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, 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 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करेंगे, बखीरा नेशनल, चलो इसका आंसर जो बनेगा, इसका आंसर बनेगा वो बनेगा संत कबीर नगर में, कहां है, संत कबीर नगर में। अगला क्वेश्चन देखो, नागर होल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागर होल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, तो आप बताएंगे इसका, इसे कहां या किस राज्य में बनाया गया है नागर होल वर्ल्ड सेंचुरी, तो आंसर क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, फटाफट से आ जाइएगा, क्या आंसर होगा फटाफट से आ जाइएगा। बी सही है, चौरसिया बता रहे हैं, बी सही है, विकास का ए सही है, और सत्य असेंद्र का ए है, मुकुल डी बता रहे हैं, दीपक सिंह भदौरिया भी बता रहे हैं, तनुज डी बता रहे हैं, चलो देखते हैं भाई सही, चेक करते हैं क्या आंसर निकलेगा। नागर होल पूछ रहा है, नागर होल के लिए दोस्तों बिल्कुल डी वाले सभी बच्चे सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी दिल्ली कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, रणथंबोर नेशनल पार्क पूछ रहा है, रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर करिएगा जरा रणथंबोर पर, तो क्या आंसर करेंगे, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, असम में है, तमिलनाडु में है, ये आपको पढ़ाया है, और ये आंसर इस प्रकार के गलत नहीं होने चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होने चाहिए भाई मेरे, ऐसे ही सिलेक्ट होना चाह रहे हैं क्या सभी लोग, डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, हाँ राजस्थान, क्या आंसर कर दोगे, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विजय सागर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, विजय सागर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, महोबा में है, संत कबीर नगर में है, बलिया में है, कानपुर में है, विजयनगर के लिए आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे और क्या आंसर करेंगे फटाफट से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आ जाओ फटाफट से, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ए ए ए सभी बच्चे ए बता रहे हैं, तो विजयनगर का बिल्कुल आंसर बन जाएगा आपका, क्या विजयनगर का आंसर बन जाएगा आपका, ए सही है, महोबा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुदुमलई अभयारण्य या मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन विच स्टेट मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, आ जाओ फटाफट से, मुदुमलई पूछ रहा है, मुदुमलई कहाँ है, मुदुमलई अन्नामलाई, थोड़ा सा आपको हिंट दे दे, अन्नामलाई मधुमलाई पूछेगा, मुदुमलई या मुदुमलाई ऐसे करके पूछेगा, लिख देते हैं एक और नाम ऐसे भी दे सकता है, एक तो मुदुमलई ऐसे भी लिख के देगा या फिर मुदुमलाई ऐसे लिख के दे देगा, मुदुमलाई इस तरह से लिख के दे देगा, ये आपको तय करना है क्या आंसर लगाएंगे, मुदुमलाई अन्नामलाई, ध्यान करो, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, तमिलनाडु, क्या आंसर बनेगा, तमिलनाडु आंसर बन जाएगा, समझ में आया, बहुत बड़ी आग लगा दो आग, ठीक है, धुआं निकलना चाहिए, सर्दी दूर हो जानी चाहिए। रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है, आ जाओ भाई, रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है, रोहिला,
और इसमें भाई कुछ बालक अपने बी के साथ जा रहे हैं, ये कुछ बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, चलेगा। आपको लिस्ट भेजी थी एक पीडीएफ वाली, उसमें देखना ये सभी हैं, सभी आंसर आपको मिलेंगे, सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें इसी टाइप के। अगला देखो काबला, काबला पूछ रहा है, काबला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काबला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट, काबला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, ए बी सी डी में से क्या लगाएंगे काबला के लिए। काबला मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा काबला के लिए। काबला के लिए आंसर क्या बन रहा है, कुछ बच्चे ए लगा रहे हैं, कुछ सी लगा रहे हैं, चलो देखते हैं क्या निकलेगा सही आंसर इसका। दोस्त इसका जो आंसर सही होगा वो होगा बी तेलंगाना, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी तेलंगाना। नेक्स्ट देखेगा पेंच नेशनल पार्क या पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, फटाफट से आ जाओ, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है। पेंच जो बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं उनको सुबह ही पढ़ाया था, आप लोगों को अभी ये जानकारी हो जाएगी थोड़ी देर बाद भी, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, तो पेंच नेशनल पार्क बताएंगे। अरे भैया डी में क्यों बता रहे हो, महाराष्ट्र में बताओगे, कहाँ बताएंगे, महाराष्ट्र में बताएंगे, पेंच कहाँ है, महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, दुधवा दुधवा दुधवा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, फटाफट से आंसर करिएगा, दुधवा नेशनल पार्क पूछ रहा है, क्या करेंगे आंसर। तो डी डी डी, सभी बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डी आंसर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए, क्या सही है, डी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगला देखो, अगला कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय या बांदीपुर नेशनल पार्क इन विच स्टेट, बांदीपुर नेशनल पार्क इन विच स्टेट, ऑप्शन बिहार, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। मोस्ट टाइम इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट टाइम इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बांदीपुर नेशनल पार्क इन विच स्टेट, लोकेशन बताना है किस राज्य में है, ए बी सी डी। चलो आंसर बच्चों के ज्यादातर सही आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन एक आध दो बालक जो है अभी इधर उधर भटक रहे हैं, दिशा विहीन है, चलो देखते हैं दिशा विहीन है उनको दिशा पे ले आएंगे, क्यों चिंता करते हो, दिशा पे लाना काम है अपना। इसका दोस्त आंसर बनेगा बी कर्नाटक, क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घाना, घाना वर्ल्ड सेंचुरी, घाना वर्ल्ड सेंचुरी, घाना वर्ल्ड सेंचुरी, राजस्थान, केरल, असम, महाराष्ट्र, सबका सही होना चाहिए, घाना वर्ल्ड सेंचुरी सबका सही होना चाहिए, क्या आंसर करेंगे। तनुज का सी है, विकास, विकास भी बता रहे हैं, चलो देखते हैं भाई क्या सही, आकाश शर्मा बता रहे हैं इसका बी है, और असेंद्र बी बता रहे हैं, चलो देखते हैं क्या निकलेगा, मुकुल बता रहा है ए है, चलो देखते हैं अभी एक मिनट में रिजल्ट आ जाएगा, राहुल भी बता रहे हैं, रोहित शर्मा ए, रोहित ए बता रहे हैं, अंकुश कह रहे हैं काम को नहीं है, तो भैया काम को नहीं है तो अब जे सरसों में पानी थोड़े ना देगा ये क्वेश्चन, पानी तो आपको ही देना पड़ेगा खेतों में, ये तो आपके बस एग्जाम में आएगा, इस काम का है, ठीक है। तो घाना कहाँ लगाएंगे, घाना लगाएंगे आपके राजस्थान में है, और बताओ ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, और जो पढ़ाए हैं वो कौन से आप लोग कर पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ पढ़ाए हैं, बाद की लिस्ट आपको भेजी थी मैंने, क्या क्या इसको तैयार करना है, ठीक है। लेकिन अपन क्या है कि साहब जमाने के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, किससे फुर्सत नहीं मिल रही है, जमाने के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, ठीक है। आज क्यों मिली है, मैंने लिस्ट वाली पीडीएफ पहले जब मैंने नेशनल पार्क पढ़ाना भी शुरू नहीं किया था उसी सुबह मैंने आपको पीडीएफ लिस्ट वाली पहुंचा दी थी, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, ये तो आप नोट्स को लेकर के कहीं नहीं पाएंगे कि आज मिली थी कल मिली थी, और वैसे तो ये कल भेज दी थी, आज की तो आप बात ही नहीं है, कल ही भेज दी थी, और जो लिस्ट वाली पीडीएफ थी ना वो तो मैंने आपको नेशनल पार्क शुरू करने से पहले ही मात्र एक डेढ़ पेज की पीडीएफ थी, मात्र डेढ़ पेज आपको ही पढ़ने थे, वो नहीं पढ़ पा रहे थे, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, गिर नेशनल पार्क इन विच स्टेट, गिर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्त, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में है गिर नेशनल पार्क। अब इसको तो सही गिरा दो कि इसमें भी गड़बड़ कर जाओगे, इसको तो सही ठिकाने लगा दो कि ये यहाँ पे भी कुछ हरकतें कर जाओगे, चलो आओ फटाफट से तेजी से आओ, दौड़ते हुए आओ, भागते हुए आओ, लगना चाहिए हाँ कि आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं सभी लोग,
चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो आंसर आपने ठीक लगा दिया। गिर कहाँ है? गुजरात में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, किसके लिए फेमस है तो आप बताएंगे, एशियाई सिंह के लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी सड़कें भारतीय प्रबंधन श्रेणी में नहीं आती। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, इनमें से ऑप्शन में से ऐसी कौन सी सड़क है जो इंडियन मैनेजमेंट या इंडियन रोड या ऐसा कहें कि आपके NHAI के अंतर्गत नहीं आती है, NHAI के अंतर्गत नहीं आती है, ये बताना है। आपकी भारतीय प्रबंधन श्रेणी में नहीं आती कौन कौन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, सीमा सड़कें या जिला राजमार्ग, ये आपको अब ऑप्शन करना है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा लिखते चलूंगा। ये NH है, नेशनल हाईवे, ये स्टेट हाईवे, और ये है आपकी BRO, और ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल के हाईवे। ठीक है, ये आपको यदि समझ में नहीं आती है तो टर्मोलॉजी और आपके लिए इतनी मदद मैं करते चलूंगा। चलो अब इसको आंसर करना है कि इसके लिए क्या आंसर करने वाले हैं आप इस क्वेश्चन के लिए, कि ये पूछ रहा है कि NHAI, या ऐसे समझ लीजिएगा कि भारतीय सड़क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी सड़कें उसके अंतर्गत नहीं आती हैं, ये आपको बताना है। भाई लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा सोच के विचार के लगाएंगे तो आपका बन जाएगा। क्या वैसे तो आप इसको NHAI ना कहो, NHAI से आप हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको क्या लिखें, इंडियन, ऐसे लिख लेते हैं, इंडियन रोड मैनेजमेंट लिख लो तो और आपका क्लियर हो जाएगा। NHAI मत लिखिएगा, NHAI नहीं लिखिएगा, NHAI से आप बल्कि कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से, इसलिए इसको क्लियर करो। इंडियन मैनेजमेंट श्रेणी, या आप कहेंगे कि उस कैटेगरी में शामिल नहीं है तो आप बताएंगे NH माने राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, पूरे देश में काम करता है, स्टेट हाईवे भी कौन बनाता है, NHAI बनाता है, दोनों हो गए, और सीमा पर सड़कें बनाने का काम जरूर BRO करता है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, लेकिन BRO और इसके सहयोग से, तो इसके लिए आंसर सही बनेगा आपका डी। क्या आंसर बनेगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका डी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की सड़कें बनाने का काम जो रहता है वो PWD का रहता है। किसका रहता है? आपने सुना होगा, लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD कहते हैं। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सड़कें बनाई जाती है वो कौन बनाता है? वो बनाता है आपका PWD बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है। देखो क्या कह रहा है कि बॉर्डर के आसपास सड़कें बनाने का काम और मैनेजमेंट का काम किसके पास है। ऑप्शन देखेंगे, सीमा सड़क विकास बोर्ड, इसको कहते हैं आप लोग बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, और NHAI, या राज्य सरकार है जहां निहित है, या रक्षा मंत्रालय। इनमें से क्या आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आंसर करेंगे, फटाफट से आ जाओ। अब ये सभी लोगों का पढ़ा हुआ चल रहा है, अब मैं देखता हूं कि कौन ये कहेगा कि ये हमने नहीं पढ़ा है, ये हमसे नहीं आ रहा है। ठीक है, चलेगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट 100% सही है। क्या आंसर बनेगा, सीमा सड़क विकास बोर्ड, यानी कि आप इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसको BRO कहते हैं। क्या कहते हैं? BRO कहते हैं, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निम्नलिखित का मैच करना है, मिलान करना है। क्या करना है दोस्तों? मैच करना है, मिलान करना है। यहाँ पे लिखते हैं जैसे NH1 से कह रहा है, NH1 कहां से कहां तक जाएगा, ये दिल्ली टू अमृतसर जाएगा, ये दिल्ली टू अमृतसर जाता है। और क्या कह रहा है, NH1A कह रहा है, ये जालंधर टू उरी कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन समझिएगा। या फिर कह रहा है NH2 कहां जा रहा है, आगरा टू बॉम्बे जा रहा है। और NH7 कहां जाएगा, वाराणसी टू कन्याकुमारी जाएगा। अब ये बताना है, जोड़ी मिलानी है आपको, इस तरह से आंसर करना है, इनकी जोड़ी मिलानी है, ये आंसर करना है, करिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आ जाओ फटाफट से। फिर से ए लगा दें, चलो देखते हैं क्या सही निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा, जल्दबाजी नहीं है।
है ना, एक मिनट का समय दें आप, एक मिनट का समय दीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ें और समझें, तब आप लोग आंसर करें, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी में बेटा काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं है। चलो लगाओ फटाफट से आंसर क्या होगा, सोच लो समझ लो। विकास का आंसर सी है, चौरसिया ए बता रहे। अगेन ए क्या है, अरे मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन को समझो, थोड़ा सा जानो। आपके विकास धाकड़ का आंसर सी है, विकास श्रीवास का बी है, और अपने विकास का और अखिलेश बघेल का सी है, और आकाश शर्मा का सी है, और देवा जादौन का सी है, मुकुल का सी है। अब क्यों इनके आंसर सबके क्यों बदलने लगे हैं, अभी तो सब लोग कह रहे थे अगेन सी, अब क्यों अगेन ए, अब क्यों ये सभी अगेन सी पे आ गए, ऐसा क्या सी हो गया कि आपका आंसर ही सी हो गया। अरे ऐसा क्या देख लिया कि आंसर ही बदल दिया। अरे आप लोग सबके सब गधों के गधों ही रहोगे क्या, बताएं। मैं सोच रहा था आदमी बन जाओ, आप बने ही नहीं पा रहे हैं, एक ही उस पे घूम रहे हैं। हाँ अब देखो NH1 बिल्कुल दिल्ली टू अमृतसर जाएगा, ठीक है। NH पहले आप इसका आंसर देखिएगा, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका कौन सा सी, यानी कि अब देखो आंसर कैसे करेंगे, आंसर इसके ऐसे करेंगे, इन सबको हटा दें, एक मिनट रुको ना। हाँ याद रखेंगे जो ऑप्शन सी है, सी के लिए जो बात सी ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है जरा देखना एक मिनट के लिए। हाँ अब देखो कि आपके पास में ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए के लिए कह रहा है, ऑप्शन ए के लिए कह रहा है क्या, ए में एक सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए क्या है, हाँ ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि NH जो बन है, NH जो बन है वो आपका अमृतसर टू कहाँ जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, तो ये सही बात है, या दिल्ली टू अमृतसर या अमृतसर टू दिल्ली, ठीक है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है, बी में कह रहा है दो, और फिर कह रहा है सी में तीन, और फिर कह रहा है चार, मतलब बिल्कुल सही क्रम में लगे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आपका जो NH सॉरी ये हाँ अब ठीक है। अब जरा देखिएगा कि NH जो बन है इसको मैंने आपको बताया था कहां से कहां तक जाएगा, तो आप याद रखेंगे ये दिल्ली यानी कि दिल्ली से अमृतसर जाता है, दिल्ली से अमृतसर जाता है। और दूसरी बात याद रखना NH2 जब पूछेगा ना, NH2 पूछेगा तो आप इसको दिल्ली टू कलकत्ता आंसर करेंगे, दिल्ली टू कलकत्ता या कोलकाता आंसर करेंगे। ये एग्जाम में भाई मेरे कई कई बार पूछा गया प्रश्न है, कई कई बार पूछा गया प्रश्न है। और दूसरी बात समझना, इन दोनों नेशनल हाईवे को NH1 और NH2 को, NH1 और NH2 को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इनको कहते हैं हम लोग सड़क ए आजम, क्या कहते हैं सड़क ए आजम कहते हैं, ध्यान करो बात, क्या कहते हैं सड़क ए आजम कहते हैं, और नहीं तो इनको आप क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं जीटी रोड, क्या कह सकते हो जीटी रोड कह सकते हो, ग्रैंड ट्रंक रोड कह सकते हो। अरे दोस्तों ये बात तो याद रख लो, जीटी रोड बोलो, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बताया था कि नहीं बताया था, उसके बावजूद भी गलत कर रहे हो, तो अब इसमें गलती कौन की है, किसकी गलती मानी जाएगी, चलिएगा अब इसका भुगतान कौन भुगतेगा। इसी के चक्कर में शादियां नहीं हो रही है कि आप लोग जाएंगे वहां रसगुल्ले खींचेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर गलत कर रहे हो। अब देखो बी NH1A मैंने कैसे कैसे याद करवाया था, A1 नेशनल हाईवे A1 है या A है, ये आपका जालंधर टू उरी जाएगा, और यहां से एक टनल एक सुरंग मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। NH2 को कहते हैं भाई मेरे, NH2 को कहते हैं क्या, ए बी रोड कहते हैं, ध्यान रखो ऐसे करके, NH2 को ए बी रोड कहते हैं, आगरा टू बॉम्बे, NH2 को क्या कहते हैं, आगरा टू बॉम्बे कहते हैं, और NH7 को वाराणसी कन्याकुमारी बताया था, किसके साथ जुड़ेगा, देश के सबसे लंबे सबसे पहले विकास धाकड़ का आंसर सही निकला था, ये बात सही है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी समझा के थके नहीं थे, लेकिन फिर से इस क्वेश्चन ने हमें द्वारा से ऊर्जा एक नई जान डाल दी। क्या कह रहा है, कौन सा नेशनल हाईवे है जिसे ज्वाइंट रूप से हम लोग जीटी रोड कहते हैं, अब इसमें आग लगा दो इस क्वेश्चन में, ये तो दही बड़ा समझ के फटाफट उठाओ खा जाओ।
सर्दी हो जाए टेंशन नहीं लेना, जुखाम नहीं होगा। लगाओ सभी लोग आंसर क्या होगा, एक बार लगा के बिल्कुल बिल्कुल दमदारी होनी चाहिए। NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, GT रोड कहते हैं। अभी एक मिनट पहले तो सर बता रहे थे, चलो आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नेशनल हाईवे को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे NH37 या NH27 या फिर पूछेगा NH29 या NH39। चलेगा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि इसमें आपका NH39 जो है वो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यांमार की जीवन रेखा कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। NH39 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, PDF रहेगी, तो ऐसे फैक्ट को आप व्यवस्थित तरीके से याद रखेंगे। विषम का पता लगाओ, विषम माने डिफरेंट ढूंढना है, कुछ अलग ढूंढना है। क्या अलग ढूंढना है, ब्रॉड गेज, लॉन्ग गेज, संकीर्ण गेज या मीटर गेज, ये आपको इसमें कुछ अलग ढूंढना है, डिफरेंट ढूंढना है, क्या अलग है। चलेगा, बहुत बढ़िया है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपा मिल सकता है आने वाली परीक्षाओं में। हाँ लगाइए आंसर क्या होगा, सी, कुछ बालक सी आंसर कर रहे हैं, चलो ठीक है देखते हैं। सभी बच्चे अभी सी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी असेंद्र धाकड़ ने बी किया है, अलग किया उसने थोड़ा सा, चलो देखते हैं भाई अलग का क्या आंसर। विकास धाकड़ डी बता रहे हैं और असेंद्र का भी है, बाद बाकी सभी बालक एक दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विकास और असेंद्र ये दो बालक अभी अलग दिशा में चल रहे हैं, इनमें से विकास धाकड़ नाम और जुड़ गया है, असेंद्र धाकड़ भी लगा रहा है। चलो देखते हैं भाई क्या आंसर होगा इसका। आ जाओ आपका समय हो गया खत्म, आ जाओ आपका समय हो गया खत्म। तो अब देखिएगा, आपको बता दें ब्रॉड गेज मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, पहले ये बताओ ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच में कितनी दूरी होती है, ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच में कितनी दूरी होती है, तो बताएंगे 1.67 मीटर होती है, 1.67 मीटर होती है। मीटर गेज पढ़ाया है कि नहीं, हाँ सर पढ़ाया है, मीटर गेज में सर बता रहे थे मीटर माने एक मीटर, मीटर मतलब एक मीटर, तो पटरियों के बीच में कितनी दूरी होगी कि सर ने बताया था एक मीटर। अब याद रखो लॉन्ग गेज क्या होता है, संकीर्ण को कहते हैं नैरो, संकीर्ण को कहते हैं, ये हिंदी में लिखा गया है इसीलिए आपको उलझाया गया था मैंने, इसीलिए इनको इंग्लिश में नहीं बोला था। ये है संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, और इसमें जो दो पटरियों के बीच में दोस्तों गैप रहता है ना वो 0.67 मीटर रहता है, वो कितना रहता है 0.67 मीटर रहता है। तो ये याद रखेंगे दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी 6.7, इसको कहते हैं नैरो गेज या इसको कहते हैं मीटर गेज। अब बताना कि आपके लिए आंसर कौन सा है, बताओ। तैयारी कर रहे हो बारात में जाने की, घर में रहने की स्थिति में नहीं हो और कह रहे हैं कि बारात में जाएंगे, अब आंसर गलत कर बैठे कि नहीं, कौन सा आंसर हो जाएगा। लॉन्ग गेज ये होता ही नहीं है, ये कोई पैटर्न नहीं है, लॉन्ग गेज कोई पैटर्न नहीं है आपके पटरियों का। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई, कमेंट कर दो फटाफट से एक बार, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, आ जाओ जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में। समझ में आ गई, हमसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, अब आपको धारदार बनाना है, ऐसा खतरनाक बनाऊंगा ना कि जहां जाओगे धमाके पे धमाके करोगे, इतना खतरनाक आतिशबाजी बना दूंगा मैं आपको, चिंता नहीं करना, बस मैदान में डटे रहना, अड़े रहना और खड़े रहना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत सुव्यवस्थित लिखा है, क्या लिखा है, कब भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ,
इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन पूछ रहा है। अरे देश के जवानों, युवा, आज युवा दिवस है, उसकी तो लाज रख लो, युवा दिवस की तो लाज रख लो। स्वामी विवेकानंद महाराज जी के चरणों में ये क्वेश्चन भेंट स्वरूप चढ़ा दो। अरे क्या करोगे बैठे बैठे, और बताओ इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1948, आगे पीछे होगा कोई नहीं, ऑप्शन सी है 1950 और डी है 1951। ये मैंने क्या कहा, क्वेश्चन कहां जाएगा, सीधा आपके स्वामी जी के चरणों के लिए समर्पित कर दिया है। अब ये गलत नहीं निकलना चाहिए, ये जज्बा, ये जुनून दिमाग में रख लो, फटाफट से आंसर करो, क्या होगा, क्या होगा आंसर, जो कुछ भी हो मुझे ये नहीं पता, सही होना चाहिए, बात खत्म, लगाओ आंसर क्या होगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कमेंट करेंगे सभी लोग, झड़ी लगा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी सभी बच्चों का आंसर, लेकिन अनिल अतुल का आंसर अलग आ रहा है और अतुल तोमर का आंसर एक का अलग आ रहा है, और अतुल तोमर, हाँ अतुल तोमर का ही आंसर बार बार अलग आ रहा है, और सभी सभी देश के युवा एक ही दिशा में जा रहे हैं, सभी देश के युवा एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो एक बात बता दें, देखते हैं कौन युवा सभी एक दिशा में जा रहे हैं वो सही है, या अपना एक कोई बालक जो है बेचारा वो दूसरी दिशा में भटक गया, या वो सही है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही निकलेगा, आंसर होगा सी, सी वाले, अरे सी वाले सभी सही है, सी वाले सभी सही हैं, बाद बाकी सब गड़बड़ में चले गए। इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, याद रखना मेरी बात को, कि भीड़ के साथ कभी नहीं चलना, क्योंकि एक शब्द का प्रयोग किया जाता है भीड़ भाड़, याद रखना हमेशा भीड़ तो हमेशा भाड़ में जाएगी, भीड़ तो हमेशा भाड़ में जाएगी। क्या आपको भाड़ में जाना है, नहीं जाना, तो हमें जब भाड़ में नहीं जाना तो क्यों भीड़ का हिस्सा बने। इसलिए कहते हैं जो भीड़ काम करती है वो काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि भीड़ तो 100% भाड़ में जाएगी, हमको भाड़ में नहीं जाना है। समझ में आ गई बात, खुली दिमाग या नहीं खुल पाया, भीड़ से अलग हटना थोड़ा सा तब कुछ समझ में आएगा। अब देखो कितने होशियार लोग हैं, सबने आंसर बदल के, सबने आंसर बदल दिया, बाहर देश के वीर जवानों, एक छोटी सी मांग रखी थी मैंने, वो मांग को ठुकरा क्या आपने, तो उसको तो हेलीकॉप्टर बना के, चॉपर बना के आकाश में उड़ा फेंक दिया। 1853 में स्टार्ट हुई थी, 1853 में कब स्टार्ट हुई थी, 1853 में स्टार्ट हुई थी, और 1950 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया, 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बोलो दिमाग खुला, ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा है, लेकिन वो भेजा है कहां, समझ में नहीं आ रहा, खा गए कहां भूख में। चलो अगले आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहानी है, जरा देखते हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, समझ नहीं सकते, इतना सरल सरल क्वेश्चन लाए अभी सर ढूंढ ढूंढ के, कि इनको तो बच्चे बच्चे जो मान लो कि शादियों में जैसे नहीं आप लोग बढ़िया चाउमीन खींच रहे होते हैं, वैसे खींचो आनंद के साथ में। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच प्रारंभ की गई थी। अब लगाओ आंसर, इलाहाबाद से नैनी, या इलाहाबाद से बंबई, या इलाहाबाद से कलकत्ता, या इलाहाबाद से दिल्ली, लगा दो आंसर। इतना शानदार तरीके से आंसर लगना ये कि पड़ोसी के घर में धमक पहुंच जाए कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं और अमित सर सॉल्व करवा रहे हैं, ये धमक आपके पड़ोसी के घर तक पहुंच जाए। अब इसमें फिर से एक ही दिशा में भीड़ जा रही है, अब देखते हैं कहां तक भीड़ सफल होती है, या फिर से भीड़ तैयारी कर रही है कहीं और जाने की, चलो देखते हैं। अब लेकिन बार बार गलत तो नहीं होंगे, ये सही बात है, तो बिल्कुल ये आपका सबका सही आंसर है, इलाहाबाद से नैनी, बिल्कुल 100% सही आंसर दिया है, ये 100% रिजल्ट रहा इस क्वेश्चन का, सब बच्चों ने दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया, एक एक क्वेश्चन में जलवा कर दिया। लेकिन इसका क्या करोगे सांभा, इसका क्या करोगे, देख लो जरा फटाफट से, ये क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से समझना।
क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी, एक मिनट रुको, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, ये बताना है। तो अब या तो ये दिल्ली में हो सकता है या गोवा में हो सकता है, जहां भी हो वो आंसर लगाना है। फिर कह रहा है कि दावोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है, फिर कह रहा है दावोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है, ये पूछ रहा है। तो गोवा में है, अमृतसर में है, जहां भी है वहां लगा दो। फिर कह रहा है कि राजा संसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, राजा संसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है। और अगला तो कितना सरल है, क्यों बने हो पगला, और ये है क्वेश्चन अगला। तो क्या कह रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहां है, मिला दो जोड़ी और तुम्हारे लिए मैं शादी में लाऊंगा 100% घोड़ी, चिंता नहीं करो जिसमें बिठा के ले जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मिला दो, आनंद आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई मेरे, बिल्कुल करेक्ट मिलाना, नहीं तो आप समझ लीजिएगा इस बार गड़बड़ है। सारी मैचिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए तो ही बात बन रही है, नहीं तो समझ लीजिएगा गड़बड़ हो सकती है। अमित सर का दारोमदार पूरा आप लोगों के कंधों पर चल रहा है, समझ लीजिएगा बात को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक आंसर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी 100% सही है। मतलब बात जब शादी की आ गई तो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। कितने मतलबी लोग हो, कितने खुदगर्ज लोग हो कि साहब शादी कैंसिल नहीं हो जाए, भले ही आंसर के लिए जुगाड़ कुछ करना पड़े, आंसर बिल्कुल सही बताया है, आंसर हो गया आपका, मतलब ये हुआ, ये सभी सही सही लगे हुए हैं, ये बात आपने बता दी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन था, भाप इंजन था, ये आपको आंसर बताना है, चलेगा। तो क्या कह रहा है, कौन सा भारत का पहला स्टीम इंजन है, देशबंधु, गांधी, वायुदूत, या आपके पास ऑप्शन है सेतु समुद्रम, आंसर कर देंगे। आपका पहला स्टीम इंजन पूछ रहा है आपसे, पहला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो अब सोच समझ के आंसर करिएगा स्टीम इंजन के बारे में। स्टीम इंजन के बारे में आकाश का आंसर डी है। अभी सभी बालक मात्र अपने, क्या नाम है एक बालक का, रत्न जो है वो ए आंसर कर रहा है, बाद बाकी सभी डी के तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या कहानी है। मात्र अभी एक बालक का आंसर आया है डी है, सॉरी ए है, और अभी अतुल तोमर का भी बदला हुआ आंसर है, या अतुल का ए आंसर है, अतुल का ए है, रोहित श्रीवास का ए है, और अपने दीपक सिंह भदौरिया का ए है, और मुकुल का आंसर ए है। मुझे ऐसा लग रहा है इनने सबने गड़बड़ कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सत पर सत्य आपका ए है, देश बंधु। क्या नाम है, देश बंधु। ये क्या पूछ रहा है, ये भारत का पहला पूछ रहा है, भारत का पहला स्टीम इंजन पूछ रहा है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, समझ में आ गई बात, चलेगा। ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, अगली क्लासों में और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहेंगे आपके लिए। तो आज की बात को यहीं रखते हैं, यहीं तक करते हैं, आगे की चर्चा होगी कल, और यहां तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और कोई डाउट है भी तो उसका समाधान करवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलो, क्लियर होगी बात या नहीं हो पाई, क्लियर हो गई बात या नहीं हो पाई। हाँ, अगले टाइम बाइलिंगुअल लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है, बात क्लियर है। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।